छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आने वाले चार नगर के ग्राम मेघदोर में आनंद पटेल के गन्ने के खेत में अज्ञात लोग लकड़ी के दो बड़े लट्ठे छोड़कर चले गए, जो मोटरसाइकिल के माध्यम से लाए गए। बताया जा रहा है ये लकड़ी की तस्करी यहां पर कई बार की जा चुकी है। हमने वन विभाग की टीम से बात की तो उनका कहना था कि अब हमें जब भी सूचना मिलेगी तो हम इस पर कड़ा एक्शन लेंगे। जब हमारे संवाददाता कुंज बिहारी शर्मा ने ग्राम मेघदोर के आनंद पटेल से बात की तो उनका कहना था कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर टोटल प्रतिबंध लगाया जाए, इन पर रोक लगाई जाए। कुछ ग्रामीण लोगों से भी हमने बात की तो उनका कहना है कि वास्तव में ये काफी दिनों से लकड़ी का कारोबार चल रहा है। ये मोटरसाइकिल से लकड़ी लेकर आते हैं और पकड़े जाने के डर से खेत पर लकड़ी के गोले छोड़कर भाग जाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि देखने में, आप एक बार लट्ठे को दिखाएंगे, देखने में असंभव सी बात लगती है कि ये लट्ठे अपन मोटरसाइकिल में नहीं जा सकते, लेकिन फॉरेस्ट की टीम ने, ग्रामीण जनों ने, कुछ लोगों ने बताया कि ये रात में इन लट्ठों को ले जाया जाता है। और यहाँ मौके पर मौजूद है, आप मोटरसाइकिल घुमाने के निशान भी देख सकते हैं जो रात में यहाँ फेंक कर और कुछ असामाजिक और अपराधी तत्व के लोगों ने जी मेरे खेत में ये लट्ठे डालकर और चले गए। ये आए दिन ये गतिविधियां जारी है। मैं फॉरेस्ट टीम से और सभी से निवेदन करूंगा कि ये वन उपज को इस तरह का नुकसान हो रहा है तो थोड़ी एक्टिविटीज बढ़ाकर इसको बंद करें। धन्यवाद।